खरगोन के समीप एक लाश मिलने के बाद लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा है। मामला जेतापुर चौक के अंतर्गत ग्राम ठिपगांव का है, जहां मुख्य सड़क मार्ग खरगोन सनावत पर स्थित एक पुलिया के नीचे पानी में अज्ञात व्यक्ति की लाश और बाइक मिलने की सूचना पर लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। सूचना पर जेतापुर चौकी पुलिस भी पहुंची और DSO भी साथ में पहुंचे। पुलिस ने मौका निरीक्षण कर पंचनामा तैयार किया और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बाइक महाराष्ट्र राज्य पासिंग की है। पुलिस ने मर्ग कायम कर विवेचना में लिया है। शव रात्रि समय का बताया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट खरगोन। ग्राम बड़ी ठिपगांव में दुर्गेश बर्डे जो सरपंच है वहाँ के, उन्होंने सूचना दी थी कि किसी व्यक्ति का शव पुलिया के नीचे पानी में पड़ा हुआ और ऊपर से मोटरसाइकिल भी दिखाई दे रही है, जिसकी सूचना हमने वरिष्ठ अधिकारियों को दी और वहाँ से जो दिशा निर्देश प्राप्त हुए मौके पर जाकर शव को बाहर निकाला तो वो किसी अज्ञात व्यक्ति के पुरुष का शव है, जिसकी उम्र 35 से 40 साल है और मोटरसाइकिल भी बाहर निकाली जो महाराष्ट्र पासिंग है। उस व्यक्ति के संबंध में ज्ञात करने का प्रयास कर रहे हैं। मौके पर जाकर जो देखा तो वो मोटरसाइकिल डिवाइडर से टकरा कर नीचे नदी में जाने का प्रतीत होती है, जिसकी लाश को जिला अस्पताल पोस्टमार्टम रूम में रखी है। परिजनों के आने का इंतजार कर रहे, आने पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। घटना कब की है सर? घटना उसको देखने से लगता है रात्रि 9-10 बजे के बीच की होगी। हादसा हो सकता है? हाँ, वो मौके पर ऐसा लग रहा है कि वो वहाँ डिवाइडर से टकरा है गाड़ी के, क्योंकि आगे का टायर भी उसका फूटा हुआ है और उसकी रिम विम भी दब गई है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।